सी यासू के जलाली बबरकत और कादर मतलक नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्ट निसार की तरफ से सलाम पहुँचे हम खुदा आसमानी बाप के नहात शुक्र हैं पी एम आई टी वी चैनल्स के जिनकी वसात से अनजील का पैगाम रोज़ बरोज़ घरानों जिंदगियों तक जा रहा है और बहुत से घरानों और ज़िंदियों की बहाली बरकत का वसीला है खुदा पी एम आई टी वी को और ज़्यादा बरकत दे और इनकी खिदमत को और भी मौसर बनाए तो खुदाने इनको बरकत दे इससे पहले कि हम कला मुकदस की जो आज मरकज़ी आयत है उसका मुताल करें आए चलमों के लिए सरों को झुकाएँ आँखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे असी में हमारे आसमानी बाप बुजुर्ग ख़ुदा हम दिल की याथाग्राहियों से तेरी शिक्गुजारी करते हैं इस घड़ी लम्हात मौका के लिए तूने मुनासिब जाना क्या खुदाम तेरे आयन में से सीख सकें तेरा कलाम जो ना उम्मीदी को उम्मीद बख्शता है और कमज़ोर हड्डियों को ताजगी देता है आज जितने लोग आज कलाम मुक़दस की आवाज़ को सुने बहाल हों बरकत पाएँ खुदाकदसा सीखने सिखाने पढ़ने के सारे अमल में हमारी खूब मदद और रहनुमाई कर ये सुमसी नासरी के नाम में इमाम सो सुएँ मेरे साथ कलाब मुकदस को खोले पुराना अहदनामा में से शरीयत की पांच किताबों में से गिनती की किताब उसके तेईसवें बाप में से उसकी ग्यारहवीं और बारहवीं आयत मुकद्दसा हम तलावत करेंगे द बुक ऑफ नंबर्स एंड चैप्टर ट्वेंटी थ्री एंड वर्स एलेवन टू टूल्व सो आइंक लामे मुकदस में से हम पढ़ते हैं तबलक ने बलाम से कहा ये तूने मुझसे क्या किया मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी बारहवीत में लिखा है उसने जवाब दिया और कहा क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुरावंद मेरे मुंह में डाले मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुरा की बरकत हो बड़ा ख़ास पैगाम है और इसके अंदर दो करैक्टर हमें नज़र आते हैं एक बादशाह है बलक जिसने हाल सुना और वो हाल क्या था कि कौम बनी इसराइल मिस्र में से निकली और उन्होंने बहुत सारी कौमों को शिकस्त दी तो मुआब का बादशाह बलक जो है उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उस पर एक खौफ छा गया अगर हम इसको बाईसवें बाप में जाकर पढ़ें और हम देखें उसकी दूसरी आए थे से तो वहाँ पर लिखा मिलता है और जो कुछ बनी इसराइल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफ़ूर ने देखा था इसलिए मुआबियों को उन लोगों से बड़ा खौफ आया क्योंकि ये बहुत से थे गर्ज मुआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए सो बादशाह है बादशाह भी परेशान हुआ कौम बनी इसराइल के सबब से और यहाँ पे कुछ कहने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप बखूबी जानते हैं कि ये वो कौम है जिसे खुदा ने बरकत दी और फिर खुदा जब अब्राहम से सात वादे करता है पदाइश की किताब में तो उनमें एक वादा ये था कि कॉम में तेरे वसीला से बरकत पाएंगी और मैं तुझे ज़मीन की इंतहा तक बढ़ाऊँगा और ये सारी कॉम जो है खुदा के पूरे प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रही है और खुदा इन्हें यूँ भी बयान करता है कि यू आर माई प्रॉपर्टी तुम मेरी ख़ास मलकीत हो सो अब जब ये मुआबियों के करीब पहुँचे हैं तो मुआब का बादशाह बलक नहायत खौफजदा हो गया और उसने एक नबी बलाम को बुलाया और वो ये जानता था कि ग़ुला जिसके लिए दुआ करता है कि कैसे लानत हो उसे लानत मिलती है जिसके लिए वो दुआ करता है कि कैसे बरकत मिले उसे बरकत मिलती है अब उसने इसे बुलाया दो इसने कासद उसके पास भेजे और जब पहला एक डेपूटेशन वफद गया तो उसने जाकर इससे कहा कि भल्क बादशाह तुझे बुलाता है ये जो लोग उसके पास गए थे वो उम्रा थे और आला उदों पे मनसब थे लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक खुदा मुझे ना कहे तो खुदा ने उसे बताया कि तूने नहीं जाना लेकिन उसने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की और वो मिस्टेक क्या थी वो गलती क्या थी कि उसने उन्हें रोका और कहा कि आज रात मैं खुदा से बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि खुदा मुझे क्या कहता है अगर खुदा मुझे कहे तो मैं फिर ज़रूर जाऊंगा तो उसने हालांकि पहले ही खुदा ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम तूने नहीं जाना सो बलक बादशाह है और जो बलक का लफ्ज़ी मीनिंग है लुगात के अतबार से डिवास्टर बलक बादशाह का मतलब डिवास्टर तबाक उन्हें यानी इसका नाम ही ऐसा तबाकुन और फिर अगर हम इसको देखें एक और इसका तर्जमा हमें मिलता है एम्पटी खाली है बादशाह और बादशाह क्या है तबाकुन और एम्पटी फिर एक और इसका तर्जमा आ, हमें मिलता है वेस्टिंग के ज़ाया करने वाला और अब ये भलक जो है इसने जो कुछ किया बलाम को बुला के वक्त ज़ाया किया और अपनी कौम के लिए तबाही और बर्बादी को लाया और जिस खुदा से ये कहता है कि तू पूछ बलाम नबी को तो उसी चाहिए था वाजब था कि उसी खुदा से रहम कहता और तर्स की अपील करता लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता सो इसने बुलाया और बलाम जो है वो इसके कहने के मुताबिक आया तो नहीं लेकिन उसने जो मिस्टेक की वो ये थी कि उसने कहा मैं ख़ुदा से पूछता हूँ और फिर रात को उसने पूछा तो खुदा उससे हम कलाम हुआ आप इसको पढ़ सकते हैं बाईसवें बाप को अगर आप इसको पढ़ें तो वहाँ पर इसका आपको जिक्र मिलेगा आ, कि खुदा ने उससे कहा कि तूने नहीं जाना फिर आ, वो चले गए लोग और फिर एक और डेपूटेसन वफद आया और वो उससे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग थे उससे भी ज़्यादा आला उदों पर फायज़ लोग थे और वो आकर कहते हैं कि बादशाह कहता है मैं तुझे एक बड़ा नाम दूंगा बहुत कुछ दूंगा सो तू मेरे साथ चल और उस कॉम पर लानत कर और हम जानते हैं जिस पर तू लानत करता है उससे लानत मिलती है अब दूसरी दफ़ा जो लोग आए थे उनको भी इसने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा जब तक खुदा मुझे ना कहे लेकिन तुम यहाँ पर रुको तुम यहाँ पर ठहरो मैं रा, रात को खुदा से बात करूँगा पूछूँगा अगर खुदा मुझे कहे तो मैं ज़रूर जाऊँगा अब इसने ये भी अल्फाज यहाँ पर दोहराए कि अगर भलक जो है वो मुझे अपना घर चांदी और सोने से भर कर भी दे तो मैं फिर भी नहीं जाऊँगा यानी एक बहुत बड़ी दौलत और बादशाह के घर जो है वो कोई छोटे घर नहीं होते महल होते हैं उसके अंदर बहुत जगह होती है और वो उसकी बात कर रहा है कि अगर वो सोने चांदी से भी भर कर मुझे दे एक अच्छा जज्बा एक अच्छा पैशन नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर लालच समाया है और वो लालच क्या था कि ए, जो कुछ उसे कहा गया हालांकि कह रहा है कि मैं अगर बादशाह मुझे अपना घर चांदी और सोने से कर दे तो मैं फिर भी नहीं जाऊँगा और बल का मीनिंग मैंने आपको बताया बलाम का जो लफ्ज़ी मतलब है मैं ढूंढता रहा इसे मैंने बहुत सारी डिक्शनरी कोशिश की कि वहाँ से इसके मीनिंग तलाश करूँ लेकिन मुझे एक ही मीनिंग इसका मिला और वो मीनिंग क्या था जिस भी डिक्शनरी को मैंने देखा इवन uh, मैंने uh, इसको इंटरनेट पर भी सर्च करने की कोशिश की कि बलाम का मीनिंग क्या है तो उसका मीनिंग ये कि हर जगह पर लिखा हुआ था कि पुराने अहदनामा का एक नबी जिसको गदी ने मलामत की और वो उस पर सवार था यानी एक ऐसा शख्स जिससे गदी ने मलामत की और बलाम वो शख्स है जिससे खुदा बात करता है और तकरीबन मैं और आप पढ़ रहे हैं कि वो उनको रोकता कहता है मैं रात को खुदा से बात करूंगा पूछूंगा और खुदा से बात भी करता है एक ऐसा नबी जिससे खुदा हर रोज बात करे और उसे फिर गदी मलामत करे अजीब बात मुझे नज़र आई इसमें सो मैं इसको गौर कर रहा था कि कैसा ज़बरदस्त ये नबी है कि हर रोज़ खुदा इससे बात करता है हर रोज़ यानी कि खुदा ये महबे पे जाता है और खुदा से बात करता है आज अगर हम देखें तो बड़ा मुश्किल है कि हम खुदा के लिए ऐसा महबा बनाएं जिस पर खुदा आकर बात करे। आज एक तरह से फुकदान है आज अगर हम अपने चर्चेज़ के अंदर एक नज़र दौड़ाएं तो बड़ा मुश्किल है मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे खुदा का तख़्त कायम हो एक उस मकाम पे जहाँ पे हम अंजील की बुशारत देते हैं हम उस मजबे पे खड़े होकर बिदात से भरे हुए हैं नफरत से भरे हुए हैं भुगत से भरे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ जो है तरह तरह की पॉलिटिशन हम खेल रहे हैं क्या ऐसी पोजीशन के अंदर खुदा हमसे बात करेगा क्या खुदा उतरेगा उस जगह पे इस शख्स को ये ट्रिक था कि कैसे मैंने खुदा से बात करनी है और कैसे मैंने उस बखूर को बुलंद करना है किस तरह से खुदा जो है वो मेरे से बात करे लेकिन आज, आज शायद हमारे पास ये ट्रिक नहीं है आज खुदाम के पास वो वैल्यू नहीं है जिससे खुदा बात करे एक गैर कौम का नबी है और हर रोज खुदा इससे बात कर रहा है और आप देखिए कि कलामस में कौन ऐसा शख्स है जिससे खुदा हर रोज आके बात करता था वो बागन के अंदर आदम हमें नजर आता है कि खुदा उससे बात करता और इसके पास भी एक ऐसा खूबसूरत ट्रिक है जिसे खुदा से बात करता है और जब ये वहाँ पे चला गया बलक इसे जो चाहता था कि आके इसराइल के लिए लानत करे और वो इसराइल को दुश्मन समझता था अब जब ये वहाँ पे चला गया तो वहाँ पर भी इसने वही काम किया और इसने क्या किया इसने कहा कि सात मज़बे ऐसे बनाए जाएँ इसे पता था कि किस तरह से खुदा की हजूरी आएगी इसे मालूम था कि कैसे खुदा उतरता है और कैसे खुदा बात करता है और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि मजबा के लिए पिछले दिनों हम सीख रहे थे सेमिनार के अंदर जो अबरानी वर्ड है मजब आख मजब आख यानी ऐसी जगह जहां पे खाल उतारी जाए ऐसी जगह जहां पर नचोड़ा जाए ऐसी जगह जहां पर जो आ... इंसान है वो अपनी जात में से निकल आए और खुदा की कुर्बत हासिल कर ले मजहब आख और ये जानता था और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या आज हमारे के अंदर ऐसे मजहब हैं जहां पे खुदा के लोग आकर ऐसी पोजीशन अख्तियार करे कि उनकी खाल उतारी जाए वो न छोड़े जाए वो खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए अपने आप को इस तरह पस्त कर दे क्या है आज हमारे चर्चेस के अंदर दुख होता है आज मैंने पहले बताया पॉलिटिशन हो रही है चर्चेस के अंदर दुख है इस बात का लेकिन ये शख्स ये जानता है इसने सात महबे बनाए और फिर खुदा जो है वो उतरा और तीन दफा इसने यही अमल दोहराया और तीनों बार तीनों बार खुदा ने इससे बात की जब जब इसने मज़बा बनाया और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बड़ी खूबसूरत बात है इसने जिस जगह का चुनाव किया अगर हम कलाम मुकदस में से तेईसवें बाब में हम जाएँ तो वहाँ पर लिखा मिलता है जो जिस जगह का इसने चुनाव किया और कलाम खुदा में यूँ मरकूम है तेईसवें बाब की ज़रा तीसरी आज में पढ़ने लगा हूँ कि इसने ऐसी जगह का चुनाव किया जिससे खुदा इसके लिए उतरा और ये इस, इसने खुदा से फिर बात की में लिखा है आज जरा पढ़ते कलाम खुदा के अंदर गिनती टेसवां बाप और उसकी तीसरी आयत फिर आ, बलाम ने बलक से कहा तो अपनी सोखनी कुर्बानी के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूँ मुमकिन है कि खुदा मुझसे मुलाकात करने को आए सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊँगा और वो एक आ, बरहना पहाड़ पर गया यानी एक बरना बरहना पहाड़ी पर गया ऐसी पहाड़ी जो जिसमें कोई चीज पुशीदा ना हो खुली हो कोई ऊंट कटारे ना हो कोई ऐसा दरख्त कोई ऐसी झाड़ी ना हो बिल्कुल ऐसी कि खुदा क्लियरली उसे जो है उसे देख सके खुदा से कोई चीज पुशीदा नहीं है लेकिन इंसान होते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर यह भी खूबिया कि उसने उस जगह का इंतख्य किया कि कोई चीज भी वहां पर पोशीदा नहीं है बिल्कुल ऐसे साफ है वो पहाड़ और आज मज़बा मजब आख बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ हमारे अंदर है वो भी बिल्कुल वाजह होना चाहिए खुदा तो जानता ही है सो क्लीचिया के अंदर जो कुछ हम बयान कर रहे होते हैं खुदा के खुदाम वो बिल्कुल जो कुछ खुदा हमें दे रहा है बिल्कुल साफ वाजे होना चाहिए कोई हिडन परपज नहीं होना चाहिए कोई और बात नहीं होनी चाहिए तब जाके खुदा यकीन हमसे बात करेगा इसने अच्छी जगह का चुनाव किया इसने अच्छी जगह का इंतखा किया और फिर खुदा इसे बात करता है और फिर कलाम मकदस में, में हम देखते हैं कि तीन बार इसने ऐसा किया और बल्क जगह को तब्दील कर करके इसे लेके गया लेकिन इसने मज़बा बनाने का ये माहिर था और इसने खुदा के तख़्त को जो है वो कायम किया और खुदा वहाँ पर उतरा और ख़ुदा ने इससे बात की और इसी के दौरान इसी के दौरान एक ख़ास चीज़ जो सीखने को मिलती है वो ये भी है कि जब ये आ, अपनी मिसल कह रहा है जो कुछ खुदा ने इसके मुंह में डाला तो आ, इसने एक ऐसी बात की जो यसुमसी की तरफ में लेके जाती है वो बड़ी खूबसूरत बात है मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कलामकर इसमें लिखा है जब ये अः अपनी मिसल कह रहा है तीसरी पेशन गोई के बाद फिर एक और ये उन प्रोफिस के अंदर लफ्ज़ अदा करता है और वो कौन से लफ्ज़ हैं ये चौबीसवा बाप है और मैं इसको पढ़ना चाहता हूं जो यसुमसी को पेश कर रही है ख़ुदा का रू जो मुझे सिखाता है सोलहवीं से तो कलाम में लिखा है बल्कि ये उसी का कहना है जो ख़ुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सजदे में पड़ी हुई खुली आंखों से कादर मुतलक की रोया देखता है मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक आसा उठेगा ये एक मंजर देख रहा है आने वाले उस नजाद हिंदा का जिसके पास अख्तियार है जिसके पास अथॉरिटी है जो अपने मुंह से जो कहता है वही होता है और हम देखते हैं कि उसका अख्तियार और अथॉरिटी क्या है यसुम मसीह का अख्तियार जितने नबी पैगम्बर आए वो खुदा से हासिल करते थे यर्मिया यसाया मूसा वो कहते हैं खुदा कहता है खुदाउन फरमाता है अबरानियों का खुदा ये कहता है लेकिन यसु मसीह जो अख्तियार और कुदरत वाला है वो कहता है मैं तुझसे सच सच कहता हूँ मैं तुझसे कहता हूँ अपनी चारपाई उठा और चला जा यानी यसु मसीह का अख्तियार हमें नज़र आ रहा है और ये अथॉरिटी जो है ये देख रहा है यसुम मसीह को देख रहा है और फिर सारा मंजर कि एक यकू में से एक ऐसा सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक ऐसा आसा उठेगा यानी इख्तियार के साथ हम इन बातों को देख रहे हैं कि यस्सुम मसीह की जात हमें नजर आ रही है और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ यसु मसीह को नहीं देख रहा यसु मसीह की उस मफोक फितरत कुदरत को भी देख रहा है उस कुत और ताकत को और कुदरत को देख रहा है जिसके लिए यह सुमसी ईमानदारों को बयान करता है और ईमानदारों से क्या कहता है जब हम योहना चौदवा बाप पढ़ते हैं बड़ी खास बात में बयान करने लगा हूं और वहां पर लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि जहां मैं हूं वहीं तुम भी हो यानी जहां पे मैं हूं वहीं तुम भी हो यानी ये सारा मंजर देख रहा है वो घर वो मकान वो मकान जहां पे पर अपने ईमानदार लोगों को लिए वो सारी जगह को तैयार कर रहा है ये सारी बातें देख रहा है इसीलिए तो वो एक डिजायर भी अपने अंदर रखता है और वो डिजायर कौन सी है जब हम तेईसवा बाप पढ़ते हैं तो उसकी दसवीं आयत का आखिरी हिस्से में लिखा मिलता है काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मान दो वाह यानी एक ऐसा नबी जो खुदा से बात करने का ट्रिक रखता हो खुदा हर रोज उससे बात करता हो लेकिन वो उस सारे मंजर को जो यसु के सूरत में, में नजर आ रहा है वो वहां पे जाना चाहता है वो उसमें दाखिल होना चाहता है इसलिए कहता है काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मान दो जहां पे मैं हूं वहीं पे तुम भी होगे यानी जो यीशु पर ईमान रखते हैं जो यीशु को कबूल करते हैं यहां पे आखिरी बात मैं करने लगा इसके अंदर यकीनन लालच था कहीं ना कहीं जरूर लालच था इसलिए यह चला और निकला और घड़ी ने से मलामत की एक ऐसा नबी बलाम दुनिया के अंदर यानी और ना तो मेरा ख्याल है किसी का नाम बलाम है जिसे गदी मलामत करे और इसका मीनिंग भी यही है यानी वो जो खुदा से भी बातें करता है और गदी भी उसे मलामद करती है आखिर में उसकी एक ही डिजायर आती है काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानत दो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर यस्ु मसीह को कोई कबूल करता है और उस पर ईमान रखता है ऐसा शख्स जो खुदा का मजबा लगाना जानता हो जो खुदा से बातें करता हो शायद हो सकता है वो भी उस तौर पे खुदा की बादशाही में दाखिल लाऊँ लेकिन जो यसुपर मान लाते हैं उनके लिए आवाज़ आती है तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा सो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप काम ईमान यसुपे रखें अपनी सारी खूबियाँ क्वालिटीज़ को पीछे करके कहे खुदावंद मैं नकम्मा हूँ मुझे कबूल कर और जो कोई यसुपर ईमान ले आता है यकीन जाने वो उस आराम में दाखिल होता है जिसके लिए गुलाम जो है वो डिजायर रख रहा है और वो डिजायर क्या रख रहा है काश मैं सादकों की मौत मरू और मेरी आकबत भी उन्हीं की मान दो मैं और आप मुबारक लोग हैं आज हम फजल के दौर के नीचे हैं और अगर कोई युस को कबूल करता है तो यकीन वो उसी जगह पे जह रहेगा जहाँ पे वो कहता हूँ जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर तुम भी रहोगे सो खुदा इस्लाम के अच्छा से मुझे और आपको बरकर दे और ऐसा करने की तोफ़ीक दे